नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर जिला में गत दो दिनों से हो रही बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों के माथे पर अब गहरी होती जा रही चिंता की लकीरें। जिला के बड़सर, बोरज, नादौन, सुजानपुर, हमीरपुर में दिन रात भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 दोसरका में बुजुर्ग रोशनलाल की रिहायशी मकान को बना हुआ है खतरा। जमीन में डंगा लगाया जाए क्योंकि पहले ही मकान को खतरा बना हुआ है, कहा मकान मालिक रोशनलाल ने। हमीरपुर वीरभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के बीचों बीच खुदाई किए जाने के चलते टैक्सी ऑपरेटरों ने जताया रोष। टैक्सी ऑपरेटरों ने इस तरह रात के अंधेरे में खुदाई किए जाने पर गहरा रोष जताया और बाद में बाजार में जिला प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। हमीरपुर डिग्री कॉलेज अणु में SFI और ABBP में आपसी कहासुनी को लेकर गरमाया मामला। हालांकि कॉलेज प्रशासन इस मामले को हल्के में लेकर झाड़ा अपना पल्ला।